हेलो एंड हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरकेएम सांडोलिया में। तो आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस जो होता है, एसिड बेस की आज हम एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे और अगली किस क्लास में हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हमारे इस एमसीक्यूज में है अबाउट 60 to 70 एमसीक्यूज हैं, उनमें एसेशन रीजन भी आपके और केस बेस क्वेश्चन भी है। तो हम बारी बारी से रोज 10 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो वेट है वो कम ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज है, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन वी रीड फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। सोर मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सबसे पहले बात करते हैं सोर मिल्क को अगर हम जमाते हैं, मतलब उसको जमाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है। मिल्क से क्या बनता है कर्ड, ठीक है। मिल्क से क्या बनेगा? कर्ड। अगर मिल्क से कर्ड बन रहा है तो आपको पता है, सबको पता है कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग द केक्स फ्लफी एंड स्पंजी, इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ बी गैस इन द रिएक्शन। सो सबसे पहले जैसे आपको इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उनसे हमने क्वेश्चन उठाए हैं और आपको मतलब प्रोवाइड करवाए हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में ऐसे कैसे सपने को आपको दिखने मिल सकते हैं। तो देखो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करते हैं जिससे नाम केक्स और फ्लफी एंड क्या बन जाते हैं? स्पंजी बन जाते हैं, ठीक है। केक्स फ्लफी एंड स्पंजी बन जाते हैं। तो देखो इस केक्स, अब इसमें देखो आपको बताता हूँ, आपको NaHCO3 जो होता है वो किसी भी एसिड के साथ प्रेजेंट मतलब रिएक्शन करता है। तो H हमें पता है, S प्लस क्या होगा? कोई भी एसिड होगा। तो बनाएगा क्या ये? देखो आपको बताता हूँ, CO2 बना देगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना देगा? H2O बना देगा। और जो ये जो मैंने बताया आपको, ये जो CO2 है ये केक्स को क्या बनाएगी? फ्लफी एंड स्पंजी बना देगी। फ्लफी एंड स्पंजी, वही जो एकदम स्टेटमेंट है जो हमने बनाई है, वही एकदम एज इट इज इसमें छाप रखी है क्वेश्चन में। तो देखो इसका आंसर आप देखते हैं। सबसे पहले टार्टरिक एसिड, जो एस प्लस है उसको हम टार्टरिक एसिड ले सकते हैं। टार्टरिक एसिड आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन O2 जो गैस है ये गलत है, तो यह एलिमिनेट हो गया। H2 गलत हो गया, CO2 और CO2 इसमें बच रखा, एक्सोलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मिल्कीनेस जो है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो CaOH आपको NCERT की बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, प्लस CO2 बनाता क्या है ये? आपको बनाता है CaCO3 प्लस क्या बनाता है? H2O, ठीक है। और आपको पता है, आपको क्या पता है, जैसे ही कोई बेस मतलब एसिडिक नॉन एसिडिक एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक मतलब एसिडिक नेचर में होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? CaCO3, कोई भी प्रेसिपिटेट या फिर कोई भी सॉल्ट बनाते हैं, और उसके साथ क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, इसमें जो CaCO3 बन रहा है ये क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? इनसोल्युबल सब्सटेंसेस, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो साइड डाउन हो जाते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा CaCO3 इज अ राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, देखो हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज, दे हैव सो टेस्ट, एकदम बात सही है, दे हैव मे चेंज द कलर ऑफ एसिड, यस। तो देखो इसमें हमें गलत चीज़ पहचाननी थी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ये गलत क्यों हो जाएगा सर? ये गलत है कि इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो रेड से ब्लू में मतलब रेड से जो ब्लू में करते हैं वो उनकी जो हम उनको नाम दे रखा हमने बेसिस नाम दे रखा क्या नाम दे रखा बेसिस और एसिड्स जो होते हैं वो अपने अपने डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन में डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आपको पता है ब्राइन सॉल्यूशन से पूरा का पूरा उठा लिया है। ब्राइन सॉल्यूशन अगर आप
ने पढ़ा होगा एसिड बेस में, तो उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो देखो NaCl प्लस H2 प्लस CO2 बना जाता है, सीधा सीधा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ये रिएक्शन इज टू एज इट इज एज NCRT की रिएक्शन, तो ये आपको याद होनी चाहिए, इनमें आपको कोई गलती होनी नहीं है। जो सेम टू सेम NCRT जब अपन छप रहे हैं उनमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर उनमें गलती होती है तो मतलब आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, कोई कहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, और ये CBC ने पूछा है, ये जो मैं जा रहे क्वेश्चन लाए हैं PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता है, बेकिंग सोडा का ऑफ केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, NaHCO3, और बेकिंग सोडा आपको एक और बता देता हूँ मैं, माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, माइल्ड नॉन करोजिव बेस, माइल्ड नॉन करोजिव बेस बेटा, ठीक है, माइल्ड नॉन करोजिव बेस हो जाता है, ठीक है, माइल्ड नॉन करोजिव बेस हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ नेशनल क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर इज नॉन एज, ओह ये दोबारा से एक आपका लल्लू क्वेश्चन आ गया, लल्लू क्वेश्चन एकदम, द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर, विनेगर में जो यूज होता है एसिड को क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं। अभी थोड़ा आपको इसको और ज्ञान देता हूँ इसी चीज़ का, एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिडिक एसिड क्या काम आता है, एसिडिक एसिड आपको सबको फॉर्मूला पता होगा, CH3COOH, ये क्या होता है एसिडिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला। इसमें देखो जो टू कार्बन्स होते हैं वो एक तो टू ऑक्सीजन के साथ बैंड होते हैं और फोर हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं बैंड, तो इस तरह से बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इसमें देखो व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू अपीयर ऑफ, ये हमारा सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। यस 7th क्वेश्चन हमारा COO प्लस X प्लस CO3 गिव्स CO2 CSO4 प्लस H2, तो X क्या है, सबसे पहले देखो इसमें आपको रिएक्शन का नॉलेज मैंने सबसे पहले ये बात, CO2 क्या, CO क्या होता है, बेस होता है, मतलब बेस प्लस आपको पता है एसिड बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एसिड होगा, क्या होगा, एसिड होगा, कुछ भी एसिड होता है तो ये एसिड हो जाएगा, तो ये तो सॉल्ट है तो ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सबसे पहले कट करो आप, ठीक है, एलिमिनेशन करो, HCl ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है SO4 बन रहा है, SO4 माइनस का 2 होता है, तो हमें पता है माइनस जो होता है वो क्या होता है कैटाइन से आता है, तो Cl माइनस कैटाइन होगा तो ये नहीं होगा, तो CO4 H2CO4 इज द राइट आंसर, H2SO4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एसिडिक एसिड वाज बिल्ट, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है NCERT का, तो इसमें बी ऑप्शन इसका पता राइट होगा, ठीक। लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, अब तक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हाँ ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ये जो लेवल है इस क्वेश्चन का ये बहुत ही आसान है, आसान नहीं कहेंगे आप, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है इसका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, आयरन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड। तो देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होगा NaCl होता है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसका सीधा सीधा ऑप्शन हम यहीं पर सीधा सीधा ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे टिक कर सकते हैं सर बताइए, ऑप्शन से ऐसे टिक कर सकते हैं बेटा कि जैसे आपको पता है, जैसे ए क्या होगा कंसनट्रेट H2SO4 होगा, सबसे पहले ये बात है जो एसिड हम लेंगे H2SO4 क्या लेंगे, इसमें तो कंसनट्रेटेड तो लेंगे बेटा, तभी तो क्या बनेगा, तभी तो HCl मतलब जिसको आप बेस के साथ करते हैं तो कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं, डाइल्यूटेड एसिड कभी भी नहीं लेते हैं बेटा, डाइल्यूटेड एसिड जब लेते हैं जब आपकी मात्रा तो कम हो और आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करवानी हो, और बेस में क्या हो जाएगा Fe क्या होता है आयरन। अब एक और बेसिक चीज़ बताता हूँ, आयरन का जो आयरन के दो चार्ज होते हैं आप सबको पता है, आयरन के क्या होते हैं चार्ज, बेसिक सी चीज़ है लेकिन बच्चे इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, एक तो होता है हमारा 3+, क्या होता है 3+, और एक होता है हमारा 2+, और एक और चीज़ बताते हैं आपको मैं, 2+ को बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, फेरिक बोलते हैं, ठीक है।
तो यहीं तक था हमारा सफर। तो आज हमने देखे एमसीक्यूज, तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आप मिलते हैं इसी मनोकामना के साथ कि आप हमारा साथ देंगे। थैंक यू।